कोरोना मामले में जांच और टेस्ट को लेकर पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कवासी लखमा की जांच हो, साथ ही मुकेश गुप्ता और रमन सिंह की भी जांच हो। ये उन्हीं के द्वारा जारी किया गया, हमने कांग्रेस ने जारी नहीं किया। प्रदेश अध्यक्ष बगल में बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, हमने तो कोई उस प्रकार से जारी नहीं किया। प्रदेश अध्यक्ष की भी सीट कमजोर बताई जा रही है, वो भी हारे हैं बता दें। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से अफवाह फैलाने में बहुत माहिर है, अफवाह फैलाने में तो वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, वो जान रहे हैं हार रहे हैं तो कैसे करके अपनी स्थिति बनी रहे, तो कई प्रकार के इस प्रकार उल्टा उल्टा। एमपी में भी नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। सीएम शिवराज के ट्वीट के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि कार्यक्रम में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, जो जनजातीय वर्ग से आती हैं। देश की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, कितना पैसा ऐसे प्रोजेक्ट में खर्च करने की जरूरत नहीं थी। वहीं कांग्रेस उनके ही नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के टिप्पणी पर बयान देने से बचती नजर आई। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिससे देश को गर्व होता है कांग्रेस उसी का बहिष्कार करती है। प्रोटोकॉल तोड़ के उनकी अगवानी के लिए आते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को 6 दिवसीय विदेश यात्रा के दौरान अद्भुत, अभूतपूर्व और दुर्लभ सम्मान मिला है। ये सम्मान केवल मोदी जी का नहीं, ये सम्मान भारत की 140 करोड़ जनता का सम्मान है। अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं आप दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ के उनकी अगवानी के लिए आते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के प्रवास पर आए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बयानों के जवाब दिए। बीजेपी नेता ने दिग्विजय सिंह के द्वारा कॉलोनियों को वैध करने के नोटिफिकेशन जारी न करने के बयान पर कहा कि कांग्रेस और दिग्विजय सिंह ने आज तक हमारे द्वारा किए गए किसी काम की खुशी जाहिर नहीं की, लेकिन फिर भी 20 सालों से हमें उनसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं। आप भी सुने। देखो, दिग्विजय सिंह जी को कोई गंभीरता से लेता नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, बिना प्रमाण के देते हैं, बिना तथ्य के देते हैं। कई बार कहा कुछ प्रमाण हो तो लाओ, तो लाते हैं नहीं। ये चरित्र हत्या की कांग्रेस राजनीति करती है, बदनाम करने की राजनीति करती है, पर मध्य प्रदेश की जनता दिग्विजय सिंह को, बंटाधार जी को अच्छी तरह से जानती है। अगली तारीख भी तय नहीं, 24 मई, 26 मई, अब आगे गई तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। दरअसल है क्या कि कांग्रेस में दो तरह के नेता है, एक जनप्रिय नेता है कुछ, और कुछ 10 जनपद के प्रिय है। जनप्रिय नेताओं की वाट लगा रखी है। अब मध्य प्रदेश में अपन जीतू पटवारी जी को ले लें, अरुण यादव जी को ले लें, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, हाशिए पर करने की कोशिश की जा रही। और दो 10 जनपद के प्रिय हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। यहां पे मध्य प्रदेश में दोनों डीके कांग्रेस की वाट लगाए दे रहे हैं। तो कांग्रेस का हस्त तो समझ में आ रहा है। आप देखें तो राजस्थान में सचिन पायलट जी जो जनता के बीच के आदमी है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी है, चारों तरफ बिन पद चले सुने बिन काना, कर विद कर्म करें विद नाना वाली स्थिति है। कल एनआईए की टीम मध्य प्रदेश आ गई थी, क्योंकि ये एचयूटी के लोग थे जो पूरा ग्रुप पकड़ा गया था। इनके राज्यों में भी अलग अलग कनेक्शन प्रकाश में आए थे और अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन भी इनके प्रकाश में आए थे। इसलिए एनआईए को कल
डायरी हैंडओवर कर दी गई है। अब इसकी जांच और आगे की कार्यवाही जो भी विधि सम्मत होगी वो एनआईए करेगी। अब ये एनआईए ने टेक ओवर इसको कर लिया है। मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी शांति अशांति फैलाने वाला संगठन कैसा भी हो बक्सा नहीं जाएगा। एमपी में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा के अंतर्गत प्रदेश के बुजुर्गों को विमान से अलग अलग तीर्थों की यात्रा कराई जा रही। शुक्रवार को देवास जिले के 32 बुजुर्ग तीर्थयात्री शिरडी यात्रा पर विमान से रवाना होंगे। शिरडी पहुंचने पर यात्रियों के रुकने और खाने की व्यवस्था भी शासन के द्वारा की गई है। वापसी में ये आखिरी विमान से इंदौर पहुंचेंगे। प्रदेश के बुजुर्गों को सरकार के द्वारा विमान से तीर्थ यात्रा कराई जा रही है। इसमें अलग अलग जिले के बुजुर्गों को बारी बारी से तीर्थ यात्रा पर ले जाया जा रहा है। शुक्रवार को देवास जिले के 32 बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों का जत्था देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से शिरडी के लिए रवाना हुआ है। ये यात्री इंडिगो के विमान से शिरडी पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने एक दिवसीय बस्तर प्रवास के दौरान कुमरावंड स्थित शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय परिसर में भूमपाल विद्रोह के जननायक रहे वीर गुंडाधुर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दौरान कहा कि बस्तर के आदिवासी जननायक में से एक रहे वीर गुंडाधुर ने भूमकाल जैसे महान विद्रोह का नेतृत्व किया। आज उनकी प्रतिमा स्थापित कर उनके योगदान को चिरस्थायी बनाने का काम किया गया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से खबर है। बताते चले कि कल झीरम नक्सली हमले की 10वीं बरसी थी। बता दें कि इस हमले में नक्सलियों ने कांग्रेस की एक पूरी पीढ़ी खत्म कर दी थी। हमले में बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, विद्या शरण शुक्ल, दिनेश पटेल सहित 32 लोगों की मौत हुई थी। 10 साल बाद भी शहीदों के परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है। शुरू से ही जब घटना घटित हुई तब से मैं लगातार बोल रहा हूं कि ये सामान्य घटना नहीं है। चूंकि उस दौरान प्रदेश में माननीय पटेल साहब के नेतृत्व में विद्याचरण शुक्ल साहब और फादर हमारे लगातार ये परिवर्तन यात्रा में घूम रहे थे। झीरम में 13 में जो घटना घटित हुई छत्तीसगढ़ सरकार को पूरा रूट चार्ट पता था कि परिवर्तन यात्रा कोंटा जाएगी और कोंटा के बाद वापस केसलूर आएगी। जब शुरू से ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र कुमरावंड जगदलपुर में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क यानी रीपा के बस्तर संभाग स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला में शामिल हुए। रीपा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों और उत्पादन के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में इस पार्क की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रीपा के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजन किए जा रहे हैं। अब युवाओं को काम की तलाश में बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। आम आदमी पार्टी जगदलपुर के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ दंतेश्वरी मंदिर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। राज्य में चुनाव इस साल के अंत में होने वाले हैं। बस्तर में भी चुनावी तैयारी शुरू हो गई है और लगातार
नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। आगे तरुणा साबे बेदरकर सचिव बस्तर लोकसभा ने बताया कि संगठन को मजबूती देने के लिए सर्कल स्तरीय अध्यक्षों को और सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की नियुक्ति 2 दिन पहले की गई है। आने वाले जून महीने से हर बूथ के एक एक घर में जाकर बीजेपी कांग्रेस के कामों को उजागर करने आम आदमी पार्टी के द्वारा एक अभियान चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत तिरंगा यात्रा के रूप में की गई है। अघोषित बिजली कटौती और रोजाना बिजली बंद होने की समस्या को लेकर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। सीरासार चौक के पास पूर्व सांसद बलिराम कश्यप की प्रतिमा के सामने आज एकत्र होकर बीजेपी और भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। भाजयुमो कार्यकर्ता विद्युत मंडल के दफ्तर पहुंचे और नारेबाजी कर बिजली की समस्या का समाधान करने को कहा है। वहीं भाजयुमो के विरोध प्रदर्शन में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल रहे। विद्युत विभाग के ई को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। जो लगातार जगदलपुर शहर सहित जिला बस्तर के प्रत्येक मंडलों पर विद्युत कटौती हो रही है, उसके विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कार्यपालन अमित कार्यालय जाकर विरोध स्वरूप और आग्रह स्वरूप ज्ञापन दिया है और विद्युत विभाग के अधिकारियों को ये चेतावनी दी है, कांग्रेस सरकार को ये चेतावनी दी है कि अगर ये विद्युत समस्या की जो कटौती जो हो रही है, इस समस्या का निदान जल्द से जल्द नहीं होता है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला बस्तर के जितने भी विद्युत कार्यालय हैं वहाँ पर ताला जड़ने का अभियान कार्यक्रम चलेगा। और ये समस्या आज के लिए समस्या विगत जब से कांग्रेस सरकार आई है समस्या विद्युत समस्या बढ़ चुकी है, लेकिन अब जनता इस समस्या से बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गई है और इस जनता इस समस्या को देखते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने समस्या के निदान हेतु अब आंदोलन का संकेत किया है। संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेख चंद जैन ने अपने सहयोगियों के साथ यहां से करीब 50 किलोमीटर दूर दरभा ब्लॉक के झीरम में पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पहले उन्होंने सहयोगियों के साथ झीरम शहीद स्मारक में लगे शहीदों के तस्वीरों पर माल्यार्पण किया, इसके बाद दीप प्रज्वलित किया। बता दें कि लगभग एक दशक पहले 25 मई 2013 को सुकमा के कांग्रेस सम्मेलन से लौट रहे कांग्रेस नेताओं के काफिले पर नक्सलियों ने जबरदस्त हमला झीरम घाटी में बोला था, जिसमें 30 से अधिक कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं सुरक्षाकर्मियों और अन्य नागरिक जनों को शहादत प्राप्त हुई थी। अपने सभी साथियों के साथ परिवर्तन यात्रा निकाल कर वापस लौट रहे थे और ये झीरम की ये वही जगह है जहां पे नक्सलवादियों द्वारा काफिले पर हमला किया गया और इस हमले में हमारे वरिष्ठ नेताओं सहित लगभग 32 लोग अपना शहीद हुए। बड़ा दुख का विषय है और इस अवसर पर आज हम सभी 10वीं बरसी है, प्रतिवर्ष हम सभी कांग्रेस परिवार के लोग यहाँ आते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज के इस अवसर पर मैं सत नमन करता हूँ, अश्रुपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने हाई स्कूल का परिणाम आज घोषित कर दिया है, जिसमें कई बच्चों ने अच्छी रैंक हासिल की है। इसी क्रम में शिवपुरी जिले के नरवर विकास खंड में भारतीयम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं कक्षा के छात्र अंश गर्ग ने एमपी बोर्ड में 487 अंक यानी 97.4% से परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर प्रदेश में भी 8वें नंबर पर स्थान प्राप्त किया है। सही सुना है, अपने विद्यालय के ही स्टूडेंट हैं जो नर्सरी क्लास से अपने अध्ययन कर रहा है और आज उसने मध्य प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त किया है। 500 में से 487 नंबर मार्क्स उसको मिली है और स्कूल का अपने शिवपुरी जिले का मध्य प्रदेश में अपने शिवपुरी जिले का नाम गौरवान्वित किया उसने। ये बच्चे का क्या नाम है, इनके परिजन क्या? अपना स्टूडेंट है उसका नाम है हंस गर्ग,
उनके पापा का नाम, पिताजी का नाम पवन गर्ग है जो एक किराना स्टोर का संचालक है। इससे पूर्व में भी इसके बड़े भाई और बहन ने भी अपने ब्लॉक में स्थान प्राप्त किया था फर्स्ट में। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मेरे माता पिता ने बहुत मेरे लिए वो करा था और जिस कारण से मैंने ये परसेंट बनाई उसको माता पिता को भी बहुत खुशी होगी इसके लिए। और इसका आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? श्रेय मेरे से जुड़े सभी लोगों को है, मेरे गुरुजनों को, मेरे माता पिता को, मेरे दादा को, मेरी दादी को, क्योंकि कभी भी किसी ने मुझे पढ़ाई से रोकने के लिए मना नहीं करा और पढ़ाई में कभी भी मेरे लिए कोई असुविधा पैदा नहीं करी, इसलिए मेरा ये क्रेडिट सभी को जाता है, मेरे गुरुजनों को, सबको। अच्छा, आगे इसके बाद में आप और ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा स्थान, मतलब पहला स्थान लाने की उम्मीद करेंगे या अभी, क्या करेंगे? अभी केवल 10वीं हुई है और 10वीं से मेरे को नहीं लगता कुछ ऐसा कुछ प्रभाव पड़ता है। इसके बाद 12वीं और आगे का कंपटीशन भी होगा तो उन चीज़ों में ज़्यादा मेहनत करना मेरे लिए ज़्यादा आवश्यक रहेगा। सरगुजा पुलिस को आईपीएल मैच के दौरान सट्टा लगाकर करोड़ों का दाव लगाने वाले 5 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। बताते चले कि सरगुजा पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि सटोरियों के द्वारा किसी ऐप का इस्तेमाल कर सट्टा लगाया जा रहा, जिस पर पुलिस के द्वारा मुखबिर से मिले सूचना के आधार पर शहर के चौपाटी के पास घेराबंदी कर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1,13,000 रुपए सहित करोड़ों की सट्टा पट्टी और 6 नग मोबाइल जब्त किए हैं। दिन एक विशेष सूचना पर सरगुजा पुलिस की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया था और जिसमें आईपीएल में कुछ सटोरियों की खबर मिली थी, उसी पे एक बड़ी सफलता है जिसमें 5 आरोपियों को जो इसमें युक्त थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। स्काई एक्सचेंज नामक एक ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये लोग बेटिंग कर रहे थे और इसमें कुछ कलेक्शन एजेंट्स जो फिजिकली कैश जो है यहाँ से एक कलेक्शन कैश कलेक्शन एजेंट्स थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है और लगभग 1,13,000 रुपए की राशि उनसे बरामद की गई है। साथ ही 6 नग मोबाइल फ़ोन जिसमें ये स्काई एक्सचेंज ऐप के माध्यम से पूरे ट्रांजैक्शंस हो रहे थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जगदलपुर के कलेक्टर कार्यालय परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया और पुष्पार्पित कर उन्हें नमन किया। संभाग का पहला जिला कार्यालय जहां छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री बघेल ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता स्वाभिमान और सम्मान की प्रतीक है छत्तीसगढ़ महतारी। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाई जा रही है ताकि लोगों में अपनी संस्कृति को लेकर चेतना जागृत की जा सके। एमपी के डिंडोरी से खबर है। बताते चले कि डिंडोरी जिले के जनजातीय महाकौशल कल्याण केंद्र बरगांव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल का फूलमाला पहनाते हुए जोरदार स्वागत किया गया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू भाई पटेल शाहपुरा से सड़क मार्ग से जनजाति महाकौशल कल्याण केंद्र बरगांव पहुंचे जहाँ कल्याण केंद्र के पदाधिकारियों ने फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया है। एमपी के नागदा के एक निजी अस्पताल में परिजनों का हंगामा उस वक्त सामने आया जब डॉक्टर ने पेशेंट को देखने में देरी कर दी। दरअसल नागदा के डॉक्टर अनिल दुबे के हॉस्पिटल में इलाज कराने आए युवक और उसके परिचित लोगों ने डॉक्टर और उसके सहयोगी स्टाफ से मारपीट की। बता दें कि परिजन अपने परिवार के सदस्य का इलाज करवाने आए थे और डॉक्टर ऑपरेशन में व्यस्त थे और पेशेंट को देखने में देरी हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल कर्मचारियों से मारपीट की और अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। काफी चोट लगी थी, दांत भी लगे, सब लग गए, तो हम लोग हमने फर्स्ट एड दे दिया, सब दे दिया, आपको इलाज कर दिया और इसको वो क्या पुलिस रिपोर्ट करा, पुलिस रिपोर्ट के लेकर हमने पुलिस और उसको चला भी गया बाहर,
सारे गुंडे बदमाश आए हो मेरे चैम्बर में भी घुस के मेरे मारपीटी तो नहीं करवा लेकिन कॉलेज नगर किसी तरह चैम्बर खोला भी यहाँ लोगों से मारपीटी करी लेडीज के साथ भी धक्का धक्की करी सब करी इनने जो आया भाई है सिस्टर है सबके साथ धक्का करके पूरे रोड पर आ गए हो कितने लोग थे सर 8-10 होते हैं 8-10 हो गए थे भीड़ इकट्ठी तो मजा क्या रही ये हुआ सर कि उधर से हम ड्यूटी पे चढ़े और वो आके खड़े थे तो हमने सर ने बोला कि यहाँ बिठा दो हमने यहाँ बिठा दिया वो सब आ रहे थे तो हमने मना कर दिया तुम दूर रुक जाओ हम कर रहे हैं ये भैया आ गए थे तो हमने उसके पीछे हमने बोला थोड़ी देर रुक जाओ तो हमने बोला कि तुम क्यों वो तीन लोग आया थे कि तुम हमारी पट्टी क्यों नहीं कर रहे उसके मारे उनने डायरेक्ट कॉलर पकड़ लिया और डायरेक्ट मारने लग गया बस। दतिया जिला अस्पताल के मैटरनिटी विंग में भर्ती युवती के साथ पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा की गई मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग अपने स्टाफ के बचाव में आ गया है। इस दौरान अपने स्टाफ के बचाव में सिविल सर्जन डॉक्टर केसी राठौर के द्वारा जारी प्रेस नोट में अविवाहित युवती प्रीति सेन को विवाहित बताकर उसके पिता धनाराम को पति बता दिया गया जबकि युवती की अभी तक शादी नहीं हुई है। अति गरीब है वो। तो नहीं भगाया किसी ने नहीं है मरीज अपनी स्वेच्छा से खुद ही भग के गया है यहाँ से जहाँ भी गया हो अगर वो हमारे पास आएगा तो हम उसका इलाज कराएंगे और हम आपको आश्वस्त करते हैं अगर वो आएगा वापस तो हम उसका पूरी जो दूसरे मरीजों को सुविधाएं दी जाती पूरी सुविधाएं उसको दी जाएंगी कोई ऐसा मिसबिहेव नहीं किया जाएगा जिससे उसको किसी तरह की असहज महसूस। सर जैसा कि आपको गृहमंत्री माननीय के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कई बार सम्मानित भी किया गया है कई बार जिला चिकित्सालय सुर्खियों में आता रहता है लेकिन जहां तक आपकी कार्यों को देखें तो सराहना की जाती है अब ऐसी आप क्या रणनीति बनाएंगे कि जिला चिकित्सालय की लोग भी सराहना करें। आज ही मैंने कल की घटना के से प्रेरित होकर और आज सभी नर्सिंग स्टाफ की और सभी की मीटिंग बुलाई थी और उसमें सबको ये जानकारी दी उनको इस तरह के गुण सिखाए गए कि वो लोक सेवक हैं और लोक सेवक की तरह ही कार्य करें और जब कभी ऐसी तरह की या अस्पताल हो या अपना पुलिस चौकी हो कई बार ऐसे आवेश में आके पब्लिक कोई भी हो सकती है हम भी हो सकते हैं पब्लिक हम भी कहीं इलाज कराने जाते हैं कभी इमरजेंसी में तो कुछ एटीट्यूड चेंज हो जाता है और मैं हॉस्पिटल में सरकारी हॉस्पिटल में तो 24 तारीख में सुबह के टाइम मॉर्निंग में नर्स वगैरह आई तो मुझे पता नहीं कोई गलत इंजेक्शन दे दिया तो मेरे हाथ में सूजन वगैरह सूजनी बहुत सारी आने लगी और मुझे घबराहट सी और मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी ऐसा लगा बॉडी में बिल्कुल जान सी निकल रही और हम कल उस दिन जब से इंजेक्शन लगा है कल से मुझे तब से जैसे मान लो सर में दर्द भी बहुत है और हम कल से ठीक ही नहीं है। उसके बाद जब ये वीडियो वगैरह वायरल हुए तो सिस्टर वगैरह जो थी उनने हमें वहाँ से भगा दिया कि जाओ यहाँ से कोई तुम्हारा इलाज मिलाज नहीं होगा जहाँ चाहो वहाँ जहाँ मरना है मरो वहाँ इलाज करवाओ यहाँ मत आओ। हमने दीदी हमारा इलाज करो हमने जी भी कहा उनसे हमने कौन से ये कहा कि हमारी जांचें भी आई जांचें तो हमें लेना है कोई जांचें वाँचें नहीं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम गुरुवार को घोषित किए गए। बता दें कि देवास जिले में 10वीं का परीक्षा परिणाम 68.16% रहा वहीं 12वीं का परीक्षा परिणाम 58.58% रहा। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने परीक्षा में उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। मुझे बहुत ही हुई है मैंने पढ़ाई मेरा जो काम होने के बाद मैं पढ़ाई करने लग जाती थी वैसे स्कूल का होमवर्क मिलता है वैसे ही काम करने के बाद मैं उसको करने लग जाती। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे प्राप्त की आपने? सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई है बड़ी कड़ार गांव से वहीं पर मेरी प्रारंभिक क्लास हुई। अच्छा इसके बाद आप अध्ययन करने के लिए आपका जो घर है इससे काई से जाते थे मतलब कैसे जाते थे पैदल जाते थे साइकिल जाते थे या कोई छोड़ने जाते थे? गांव में 1 किलोमीटर दूर थी स्कूल तो प्रारंभिक शिक्षा मैं पैदल ही चली जाती थी। उसके बाद संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेख चंद जैन बिलोरी मेला में सम्मिलित हुए। जलनी माता गुड़ी में पूजा के बाद वे मेला
बाजार में सम्मिलित हुए। उन्होंने मेला मड़ई को बस्तर की सांस्कृतिक पहचान बताया। मेला में सम्मिलित होने पहुंचे संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेख चंद जैन का गांव पहुंचने पर महिलाओं ने परंपरागत तरीके से स्वागत किया। बिलोरी की गुड़ी पहुंचे विधायक रेख चंद जैन ने भक्तिभाव से जलनी माता की पूजा की। झीरम नक्सली हमले में शहीद महेंद्र कर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। दोपहर बाद शहर के झंकार टॉकीज के निकट स्थित प्रतिमा स्थल पर संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेख चंद जैन पहुंचे। जैन ने अपने सहयोगियों के साथ महेंद्र कर्मा की प्रतिमा पर फूलों का हार चढ़ाकर नारे लगाए। इस दौरान प्रतिमा स्थल पर महेंद्र कर्मा अमर रहे के नारों से पूरा स्थल गूंजता रहा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम घाटी शहादत दिवस के अवसर पर जगदलपुर के लालबाग के झीरम मेमोरियल में झीरम घाटी के शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ सर्वोच्च कुर्बानी देने वाले शहीदों की शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे। साल वनों के द्वीप बस्तर क्षेत्र को नक्सलवाद से मुक्त कर फिर से शांति का टापू बनाएंगे। जिला दंतेवाड़ा में सैकड़ों नागरिक कबीर के प्रकट दिवस पर जिला बस्तर से निकाली गई शोभा यात्रा में शामिल हुए। बता दें कि गुरुवार को संत रामपाल के अनुयायियों ने ये शोभा यात्रा निकाली थी। इस दौरान यात्रा ने विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया था, तो वहीं इस यात्रा में इसमें लगभग 1500 अनुयायी शामिल थे। शिवपुरी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड 2 शक्तिपुरम कॉलोनी के वासिंदों को पिछले 10 दिनों से पानी नहीं मिल रहा, जिससे वार्ड वासियों को दूर से पानी लाना पड़ रहा। वहीं वार्ड पार्षद से भी क्षेत्रवासी नलों में पानी सप्लाई कराने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन वार्ड पार्षद के द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। पानी के लिए आए दो नंबर के, इनकी सप्लाई ढाईवे चलना, ढाईवे चल रही है, बोल दो दिए उनसे। नहीं काफी कोई नहीं, नहीं नहीं, नहीं, नहीं। 20 तारीख को पानी दिया, 20 तारीख को पानी दिया है। समस्या जी है, हमारे यहाँ ना पानी नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, 20-25 दिन से नहीं आ रहा है। हमारा शकील समस्या जी है कि 9-10 दिन से पानी नहीं आया। हम पानी की कहते हैं तो जो कह देते हैं बोर टूट गई,